विदिशा से मात्र 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम नोलास में सरकारी स्कूल में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। स्कूल का यह प्रांगण जो बच्चों को खेलने के लिए है वह चने के खेत में तब्दील हो चुका है। जब इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी से बात की गई तो उनका कहना है कि मैं तो एक माह पहले ही नोलास से स्कूल गया था, उस समय वहाँ पर ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। यदि वहाँ फसल बोई गई है तो प्राचार्य से बात की जाएगी और फसल का जो भी आएगा उसके संबंध में चर्चा की जाएगी, स्पष्टीकरण दिया जाएगा। विदिशा से मुकेश चतुर्वेदी की रिपोर्ट। स्कूल के अंदर स्कूल की बाउंड्री के अंदर चने बुआए हुए हैं और खुले तार पड़े हुए हैं। मैं अभी एक महीना पहले गया था तो वहाँ तो ऐसा कुछ नहीं था। अभी आपने दिखाया मेरे को वीडियो, तो उसमें अभी मैं उनके प्राचार्य से पूछता हूँ कि चने बोए हैं तो कैसे, क्यों बोए हैं और किस कारण से बोए हैं और इसकी जो है जो भी इसकी इनकम होगी तो वो कैसे आप हिसाब किताब करके स्कूल में डालोगे, क्या करोगे, मैं पूछता हूँ उनसे। सर इससे पहले इनसे हम जो स्पष्टीकरण लेंगे इसका। सर इससे पहले आपने उन्हें जानकारी दी थी कि नहीं दी थी? नहीं नहीं, नहीं कभी कोई हमें तो आपने ही दी जानकारी दी है कि ऐसा है। मैं एक महीने पहले गया था, कुछ नहीं था वहाँ पर, खाली था ग्राउंड। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।